Rolling, Naira. I'm ready. Silence. Hi, Naira. Firstly, welcome to our channel. And many congratulations. एक और reality show अपनी bucket list में डाल रही हूँ. Oh yes, thank you so much. What do you have to say? How much you are excited and what made you choose this reality show? So it's been on my mind for a couple of years since I've been getting calls for Big Boss earlier also, as all of y'all know. It was almost there, like I'm going, and then last moment mein, for some reasons I could not do it or I whatever. But this time the excitement level was different because I saw a couple of my friends doing Big Boss, and then when I started watching the show, the truth was मैंने पहले देखा नहीं था. तो जब मैंने देखना शुरू किया, मुझे इस चीज़ को देख के बड़ा मजा आया कि कैसे एक ही घर में अलग अलग personalities को बंद कर दिया जाता है. It's like lockdown, but lockdown is with your family, family, and this is like with different personalities. बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है ये, जहाँ पे आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. आप देख सकते हो कि हाउ डू यू कनेक्ट विद पीपल एंड हाउ डज योर ट्रू पर्सनैलिटी स्टैंड आउट अमंगस्ट ऑल द डिफरेंट पर्सनैलिटीज़. सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग, एंड मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अपने लाइफ में भी काफ़ी मदद करेगी. अलग अलग लोगों से किस तरह से डील करना है, कैसे उनके इमोशंस को समझना, उनके पर्सनैलिटीज़ को समझना, ये बेसिकली एक्टर को भी इनरिच करता है अपने काम में. Because at the end, we are also playing different personalities in real life as an actor in our profession. So I think this is what excited me the most. Well, also, you know, इसी के साथ साथ लोगों के साथ तो मिलना ही, लेकिन भिड़ना भी पड़ेगा. उसके लिए आप कितनी रेडी हो? Also, you know, one contestant they have revealed yesterday, निया शर्मा. क्या कहना चाहूँगी? उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा है? I have never really met her, honestly speaking. मुझे पता है निया शर्मा कौन है. In fact, सुहागिन चुड़ैल के लिए, like, you know, they were in talks with me, and then I came to know that after I couldn't do it, it was Nia, and she was the perfect choice for सुहागिन चुड़ैल. So I'm quite, I really like her her styling. I like the way she carries herself. I look forward to make friends with her. Challenges और you know जो लोगों से भिड़ना पड़ेगा, उसके लिए आप कितनी ready हो? See, ready तो life में हम लोग कितने लोगों के साथ भिड़ते रहते हैं. लेकिन किस तरह भिड़ते हैं वो आपकी क्वालिटी होती है. तो जाके एक्सप्लोर करूंगी. और कुछ क्या एक्सप्लोर करना चाहती हो, यू नो, इस घर में? ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिग बॉस इज काइंड ऑफ अ प्रेशर कुकर, जहाँ पे आप अपनी एक नई जर्नी को एक्सपीरियंस करेंगे. आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे. आप अपने आप को भी, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करेंगे. तो आई थिंक इट्स गोना बी अ नाइस जर्नी फॉर मी, वेयर आई विल unlearn a few things and I will learn a few things. Well, time ka tandav hone wala hai aur pata nahi ye kuch na kuch to hoga. Time ka tandav jo kuch bhi hoga, kya lagta hai aapko, kya ho sakta hai ye time ka tandav? Wo to time hi batayega na. एक बार अंदर जाएंगे, सब टाइम ही बताएगा. सलमान खान से मिलने के लिए आप कितनी एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड हूँ. ये मेरी सेकंड मीटिंग होगी. फर्स्ट मेरी मीटिंग उस वक्त हुई थी जब मैंने बॉलीवुड में अपना लॉन्च लिया था. आई वाज लॉन्च्ड बाय प्रियदर्शन सर विद दिस फिल्म कॉल कमाल धमाल माला माल, एंड ही वाज शूटिंग फॉर दबंग राइट नेक्स्ट टू माई सेट. सो प्रियन सर की हीरोइन सुन के ही अग्रीड टू कम टू मीट मी एंड ऑल. आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ हिम. तो मैं उनको मिली एंड मुझे नहीं पता वो मुझे याद कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन बहुत एक्साइटेड उनसे फिर से मिलने के लिए. नायरा, आल्सो यू नो, लोग कभी कभी बिग बॉस इसीलिए चूज़ करते हैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए, अपना मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए. आप क्या अपना मेंटल स्ट्रेंथ या फिजिकल स्ट्रेंथ क्या कुछ टेस्ट करने जा रही हो? देखो, फिजिकल स्ट्रेंथ रियलिटी शो, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, टेस्ट तो लाइफ में हम रोज ही एक दूसरे को अपने आप को करते ही रहते हैं. ये टेस्टिंग भी होगा, ये रियलाइजेशन भी होगा, और ये कॉन्फिडेंस भी होगा कि मैं इतने अलग अलग लोगों के साथ डील करने की हिम्मत रखती हूँ. तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस फॉर मी, एक्सपीरियंस प्लस इट विल लिफ्ट मी इन माई लाइफ, आई फील. वेल, वहाँ पर क्लीनिंग, कुकिंग, ये सब के लिए तो बहुत ज़्यादा पंगे होते हैं. आप कौन सा चूज करोगी वर्क और कौन सा नहीं करना पसंद करूंगी? किसके लिए आपके पंगे होने वाले? मैं कुकिंग, क्लीनिंग, गार्डनिंग, मैं सभी चूज कर सकती हूँ. मैं एक नेवल ऑफिसर की बेटी हूँ. बचपन से बहुत काम किया है मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाथरूम वगैरह से भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोगों को ज्यादातर सेलिब्रिटीज को देखते प्रॉब्लम है. वो देखेंगे, उस सेक्शन का मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी चीजों में आई हैव नो इश्यूज एज ऑफ नाउ. ऑल्सो यू नो, आप सिंगल जा रही हो और अंदर जाने के बाद बहुत रिलेशनशिप बनते हैं, या भाई का बनता है, या यू नो बेस्ट फ्रेंड मिल जाती है, या बॉयफ्रेंड मिल जाता है,
आप कितनी फोकस्ड होकर जा रही हो कि आपको सिर्फ बस शो जीतना है, या अगर कुछ ऐसा मिलता भी है तो इट्स ओके. सी, शो जीतना तो टॉप प्रायोरिटी है. उसके साथ रिश्ते जो बनते हैं वो बेसिकली वो हम कमाते हैं. तो देखते हैं, वो मुझे अंदर जाके पता चला. अभी मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, अब मैं कुछ स्ट्रेटेजाइज नहीं कर सकती, बिकॉज लाइफ में आप काफ़ी सारी चीज़ें सोच के जाते हो और वो कभी होता नहीं है. वैसे लाइफ विल ऑलवेज गिव यू सरप्राइजेस. इट्स बेटर टू गो विथ एन एक्सप्लोरिंग माइंड सेट. हाउ इज नायरा, लाइक इमोशनल है या बहुत ऐसी गुस्से वाली स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो मुंह पर है आपको क्या लगता बाकी? है? आप मुझे 4 साल से देख रहे हो. मुझे लगता है कि मैं इमोशनल अपने बहुत ही क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए हूँ. बिग बॉस में रिश्ते 2 दिन में नहीं बनते हैं, करेक्ट. उनको परखना पड़ता है, उन्हें कमाना पड़ता है. तो वो चीज़ इमोशनल आई डोंट थिंक सो उधर होना चाहिए मुझे. बट मेंटल स्टेट का कोई भरोसा नहीं होता है. आप अगेन, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, यू कैन नॉट डिसाइड इट, यू नेवर नो कि वहाँ क्या होगा. शायद मैं इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो जाऊँ किसी के साथ, यू नेवर नो. करेक्ट. सो आई एम कीपिंग, आई एम गोइंग विथ एन ओपन माइंड. वेल, किस किस से टिप्स लिया है? आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड निशान भी जाकर आए हैं, उनके उनसे टिप्स लिया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है? उन्होंने बोला है जो जो मैंने किया वो सब कुछ मत करना. उन्होंने वो सारी चीज़ें मुझे समझाई है, सिखाई है. द थिंग इज, मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं था और उन्होंने भी नहीं देखा था, एंड ही वॉज नॉट इन द जोन वेन ही एंटर्ड. सो ही सैट डाउन विथ मी एंड ही टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट रियलिटी शो में इट्स मोर अबाउट पर्सनैलिटी एंड यू हैव टू हैव योर ओपिनियंस. इफ यू डोंट हैव योर ओपिनियंस, इफ यू डोंट हैव, इफ यू डोंट शो वॉट योर पर्सनैलिटी इज, वॉट योर थाट्स आर, वॉट योर माइंड आर, पीपल नॉट गोना नो. लोगों को जानने के लिए आपको बोलना पड़ता है, आपको अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने रहते हैं. यू कैन बी साइलेंट समटाइम्स बट नॉट ऑल द टाइम्स. साइलेंट जस्ट वैन ये आपके मुद्दे से और आपके थाट प्रोसेस से, आपके पर्सनैलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है. Then you can just discuss with your friends. But when you think that you have something to contribute, please do and contribute. Don't keep shut. That's what he explained me. Okay. Well, सब कहते हैं कि वो घर में एग्रेशन बताना बहुत ज़रूरी है, और एग्रेशन का घर है. अगर वहाँ पर चुप रहते तो बहुत जल्दी बाहर निकल जाते. डू यू बिलीव दिस? चुप रहना एंड अग्रेशन दिखाने में एंड ओपिनियनेटेड होने में बहुत फ़र्क होता है. अग्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती अपने ओपिनियन बताने के लिए, और चुप रह के आप अपना ओपिनियन बता नहीं सकते. यू हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, आई फील. वेल, लास्टली जाते जाते वीकेंड के वार के लिए और सलमान खान की क्लास के लिए कितने रेडी हो? अपुन तो हर एक क्लास, हर एक वीकेंड के वार के लिए रेडी है भाई. ब्रिंग इट ऑन, देखते क्या करना है. लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? बस आपके आशीर्वाद और आपके वेलविशेस के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ. एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड गेट द ट्रॉफी होम. And honestly speaking, just want to thank you all for all the blessings and all the support that you're going to give me. Naira, one last question. जब इस घर में step in करते हैं, सबसे बड़ा controversial show है, और जब contestants के बारे में controversy होती है, so are you ready for that controversies? You have to be ready for anything in life, any which ways. Controversy reality show में हो, या real life में हो, या public में हो, या media में हो, you have to be ready all the time. We are public figures. We are trained with that. Oh, thank you so much.